इधर का। सो गाइस, मैं अभी रियर रोड के बाहर में आया था और ये थोड़ा जो गुडाउन थी थोड़ा खंडर वगैरह मुझे दिखा था, तो मुझे लगना चाहिए एक्सप्लोर करना चाहिए। ये हॉरर एरिया है मुझे यहाँ पे। अंकल, मैं अंकल, आपका नाम? मेरा नाम इजहार। इजहार, अच्छा। तब आप ये थोड़ा सा मुझे यहाँ पे देख रहे हैं, बहुत पुराने दिख रहे हैं आप, थोड़ा सा यहाँ के बारे में थोड़ा बताइए ना कि क्या क्या चीजें हुआ था। ये सब कापूस गुडाउन था पहला, कापूस गुडाउन था, कैंटीन वगैरह था। मतलब ये पहले जो गोडाउन था वो मतलब रुई वगैरह का गोडाउन था? रुई हुई का सब सब ऐसा गोडाउन था। अच्छा, अभी मतलब ये तो पूरा खंडर हो गया। अभी सभी पार्किंग बना दी। पार्किंग बना दी, पार्किंग के पैसा दिया जाता है, पेड़ दिया जाता है। ये सारे मैं देख रहा हूँ बहुत सारे बस हैं, ट्रैवल वाले हैं, तो सब ट्रैवल का एक ऑनर से कांटेक्ट होता है या उनका जाके आते वक्त? नहीं, आते हुए को पावती फाड़ते हैं ना, आते वक्त पावती लेते हैं। कितना चार्ज लेते हैं पार्किंग का? एक दिन लोग का पावती होएगा, इन लोग को मालूम होएगा ना गाड़ी वालों। कितने होता है आपका एक दिन का चार्ज? नहीं, 250 नहीं, 200 कुछ के आसपास होएगा। 200 ऑलमोस्ट 200 से 250 के बीच में आपका रहता है यानी जगह। तो कितना दिन तक खड़ा कर सकते ये? कुछ 12 घंटा का ही रहेगा। मैं 12 घंटा का रहेगा, 12 घंटा के बाद ये निकल जाना था। निकल जाएगा, अगर उसके ऊपर जाएगा तो फिर चार्ज बढ़ेगा। अच्छा, उसको मतलब उसको इन्फॉर्म करना पड़ता है ज्यादा देर अगर रहना हो तो? जाते समय लेंगे ना तो अपना देख लेंगे ना। अच्छा, जाते समय देखेंगे, देख लेंगे। अच्छा, यहाँ पे जब मैं अंदर आ रहा था तो घर घर तरफ जैसे ही मैं आ रहा था तो देखा कि बहुत सारे जो है ना जगह पे यहाँ पे सब लोग टॉयलेट वगैरह सब पूरा सब यूज करते हैं इधर पे। मतलब ऐसा कोई बोलता नहीं है कि यहाँ पे ये सब चीज नहीं करना, गंदगी वगैरह इधर पे? म्यूनसिपालिटी का मैंने देखा, उन लोगों का भी पार्किंग होता है या गवर्नमेंट की तरफ से ही होता है? उन लोग का भी पार्किंग। तो आप बस ऑनर के साथ क्या मैकेनिक? अच्छा, ये ग्रीसिंग आपका काम है? अच्छा, आपको पहले से बुलाया जाता है या इधर आसपास में ही रहते हैं? घूमते रहते हैं, जिससे पहचान रहता है तो आके मिल लिए, और नहीं पहचान तो देखा तो बुला लिया। अच्छा, ये ग्रीसिंग मतलब क्या होता है, क्या कैसे करते? गाड़ी में मारा जाता है जहाँ पार्ट रहते हैं ना। अच्छा, तो ये बस खड़ी होती है तो इनको ऐसा लगता है कि यहाँ पे ग्रीसिंग करना चाहिए, तब आपको कॉन्टेक्ट करते हैं? हम लोग को मालूम रहता है कि चक्कर पे कोई दो चक्कर पे वैसा, मतलब मालूम रहता है कि ग्रीसिंग करना जरूरी है। अच्छा, नहीं गाड़ी आवाज करेगी, पार्ट चला जाएगा, टूट जाएगा। अच्छा, ये सब चीज। अच्छा, ये ज्यादातर मैं देखूँ लॉन्ग टूर यानी बॉम्बे से बाहर के लिए बस होती है ना? सब कहीं है, इंदौर, महाराष्ट्र में अपना किधर जाता है सर? गुजरात तक जाती है इधर से बस। अहमदाबाद और इधर सांगली, सोलापुर, बेटा, सब कहीं रहता है। इसका बुकिंग ऑनलाइन होता है या कहीं काउंटर? किसका ऑनलाइन है, किसका वैसा भी रहता है। अच्छा, मैं सुन रहा हूँ कि ज्यादातर सायन में बहुत सारे बस का सब कहीं है। सायन है, बीटी है, इधर मस्जिद बंदर, मस्जिद बंदर का सब तरफ है। हाँ, जिसका जिसका जहाँ पे सेटिंग रहता है वहाँ। तो ये ग्रीस ग्रीस का ये क्या है? ये ग्रीस का ये मशीन है। ग्रीस का ये ग्रीस का मशीन है जो आप? अच्छा, मतलब ये बेसिकली जाने से पहले यानी बस को थोड़ा सा सर्विसिंग के लिए जब जरूरत होती है तो ये अंकल करते हैं। कितने साल से आप कर रहे हैं अंकल ये काम? अरे ये काम हम बहुत दिन से कर रहे हैं। हमको 7 रुपया मिलता था स्टार्ट में जूनी गाड़ी। जब आपको 7 रुपया मिलता था तब से आप काम कर रहे हो यहाँ पे? आज तो मेरे को 100 रुपया भी कम है। आज 100 रुपया भी कम है? मतलब क्या 100 रुपया दिन का या एक गाड़ी का? एक गाड़ी का 100 रुपया? मुझे लगा 100 रुपया दिन का। 7 रुपया गाड़ी मिलता था मेरे, मैं जो कर रहा था तो जब जूनी गाड़ियां थी, शायद है कि आप लोग को गाड़ी देखे भी नहीं। जूनी गाड़ी नहीं, वो 7 लेट गाड़ी था, खेखड़ा गाड़ी था, इतना बड़ा बड़ा सो उसका रहता, लंबा लंबा सो रहता था, बड़ा बड़ा मर्सिडीज। अच्छा, मर्सिडीज बेंज वगैरह सब जूनी गाड़ियां थी, सिर्फ मर्सिडीज खेखड़ा। एक साइड से टोपन होगा, एक साइड से टोपन लंबा सो वाला गाड़ी रहता था। अच्छा, लंबा सो वाला गाड़ी रहता था। अच्छा, बड़े बस के अलावा छोटी छोटी गाड़ी भी आप कर देते हैं? सब जगह आप कर लेते हैं। तो आपका कहीं पे शॉप वगैरह भी है ऐसे, मतलब घूमते चलता फिरता दुकान है आपका? हमारा चलता फिरता है कहीं भी। तो आपके फैमिली वगैरह किधर रहते हो आप, कहाँ पे रहते हो? वडाला रहता हूँ। वडाला रहते हो? वडाला, वडाला सरकार, सरकार नगर, वडाला सरकार नगर रहते हो। आपके फैमिली बच्चे सब रहते? आपको प्रॉपर मुंबई से हो, मुंबई से बाहर के हो? यूपी। यूपी? यूपी में कौन सा जगह? सुल्तानपुर। अच्छा, तो अभी मुझे तो ऐसा लग रहा है कि आप इतने साल से, ऑलमोस्ट लगता है 30-40 साल तो हो ही गया होगा। फिर भी 25 साल तो कम से कम। चलो 25 साल हो गया आपका, मतलब आपने आप आधी उम्र यहाँ पे बिताया, उसके बाद का मतलब हिस्सा जो है आप यहीं पे आप रह गए। अब
यही क्या करे, कमाना खाना तो ही है। तो आपका गांव, गांव में अपना मकान वगैरह है, आपके भाई लोग भी होंगे ना? अच्छा, सुल्तानपुर में कभी जाते हो? नहीं जाता हूँ, जाते साल में 6 महीने में 8 महीने में कभी भी, मतलब कभी कभी साल से। अब की तो हो गया, मेरे को 1.5 साल नहीं गया। अच्छा, 1.5 साल हो गया, यानी लॉकडाउन के बाद जो आए तो नहीं गए? नहीं गया, नहीं गया। अच्छा, लॉकडाउन में आप यहीं थे? नहीं, गांव में थे। गांव चले गए थे? अच्छा, आपको कैसे पता चला था गांव कैसे गए थे आप? ट्रेन से गए थे? मैं गया था तो लफड़ा नहीं था। आप जब गए थे लफड़ा नहीं था? यार इतना महामारी यहाँ पे हुआ था, लोग जाने आने के लिए मतलब ट्रेन बस ट्रक जो मिल जा रहा सुविधा, पैदल तो पैदल। वो उसका ट्रेन के नहीं, कुछ ट्रेन के चपेट में आके वही तो, वही तो सब लफड़ा हुआ था। जब तो गाड़ी घोड़ा रोक दिए थे ज्यादा, मतलब जब आदमी रेल पटरी में मर गया था, रेल पटरी पे अभी वो काफी अच्छा रहेंगे तो क्या करेगा, खड़ा हो गया। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अंकल, आपका बहुत सारे इन्फॉर्मेशन चीज मिल गया। आप तक कोई अगर कॉन्टेक्ट करना चाहे तो कुछ, आपका कोई नंबर वगैरह आसपास में कोई रहेगा कहने, उनका उनका गाड़ी हो या फिर कुछ ऐसा हो गया आपसे कांटेक्ट करके आपसे काम करवाना चाहेगा तो चलो नंबर मिल जाएगा। अच्छा चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। तो गाइज, आज का ब्लॉग जो था और बहुत इन्फॉर्मेटिव था, यानी 25 साल का जो एक्सपीरियंस था ग्रीसिंग करने का, जो मैं भी था एक टाइम साइकिल का काम करता था, तो ग्रीस का कितना इम्पोर्टेंट होता था वो मैं समझता था कि हर जगह पे ग्रीसिंग हर एक महीने पे कैसे होता था। तो गाइज, आई होप आपको ये छोटा सा ब्लॉग अच्छा लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव होगा। और अगर आप अभी तक मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का नोटिफिकेशन दबाएं और अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर करें। अगर आप बस ऑनर हैं या आप छोटे गाड़ी के भी ऑनर हैं तभी आप एक्सपीरियंस शेयर करें। तब तक के लिए मैं नई वीडियो में मिलते हैं, नए ब्लॉग मिलते हैं, तब तक अल्लाह हाफिज़। जय हिंद। आज के हमारे दो खास मेहमान यही लोग दोनों।